मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई के जानिब से लगातार 23वें साल भी सालाना इस्तेमाई निकाह का एहतमाम करबला मैदान भिलाई में किया गया। इस साल 3 जोड़ों का निकाह मुकम्मल कराया गया। इस प्रोग्राम में मेहमानों के द्वारा जोड़ों को बधाइयां देकर उपहार भी दिया गया। मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई अपने नेक कामों के लिए जानी जाती है, जिसमें एक काम यह भी है कि हर साल सभी धर्मों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन भी यह कमेटी कराती है। इसी कार्य के 23वें वर्ष में प्रवेश करते हुए इस वर्ष 3 जोड़ों का इस्तेमाई निकाह कराया गया। इन जोड़ों की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि यह विवाह का खर्च उठा सके, तब इन्होंने मुहर्रम करबला कमेटी से संपर्क करके उनके द्वारा किए जाने वाले सालाना इस्तेमाई निकाह में विवाह करने की इच्छा जताई और अपना पंजीयन कराया, जिसके बाद रविवार को इन 3 जोड़ों का निकाह पूरे रस्म रिवाज के साथ एक पारिवारिक माहौल के बीच मुकम्मल कराया गया। इस प्रोग्राम में दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बतौर मेहमान खुशूसी शामिल हुए और उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को उपहार भी दिए और नव दाम्पत्य जीवन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम पूरे शानो शौकत के साथ किया गया एवं नव दाम्पत्य में बंधने के बाद जोड़ों को नई गृहस्थी प्रारंभ करने के लिए ज़रूरत के सामान भी दिए गए, जिसमें बर्तन के सेट, अलमारी, सोफा सेट, पंखे एवं पलंग शामिल है। मुहर्रम करबला कमेटी के नुमाइंदों ने प्रोग्राम की पूरी जानकारी जहां न्यूज़ टीम को उपलब्ध कराई, तो वहीं कमेटी के सरपरस्त एवं पूर्व CSP भिलाई नगर वीरेंद्र सतपति ने हर साल सामूहिक विवाह कराने की जानकारी दी। प्रोग्राम में शिरकत फरमाने वाले मेहमानों ने कमेटी के कार्यों को दिल से सराहा और ऐसे प्रोग्राम अन्य कमेटियों द्वारा भी आयोजित करने की मंशा जताई। जी, हमारे यहाँ दूसरे समाज के लोगों का भी निकाह हम लोग करवाते हैं, शादी करवाते हैं। पिछले बार एक जोड़े का करवाए थे, इस बार कोई आ नहीं पाया, इसलिए दूसरे समाज के लोग नहीं आए। दूसरे समाज के लोग भी आते हैं तो हम लोग उनकी भी शादियाँ करवाते हैं और हर साल हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और दूसरे समाज से भी आएँ जिनका हम शादी करा सकें। जिनके पास पैसे नहीं होते बच्चियों के पास दहेज देने के लिए, तो हम उनको दहेज भी देते हैं, करीब 50-60 हज़ार का दहेज देते हैं और उनका सहयोग करते हैं। एक छोटा सा गृहस्थी और किचन सामान दे करके हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं और समाज में ये सोचते हैं कि दूसरे लोग भी इसी तरह से प्रोग्राम करें ताकि लोगों का पैसे का बचत हो। आज के प्रोग्राम में करबला कमेटी की जानिब से 23वां साल इस्तेमाई निकाह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आने वाले मेहमान का करबला कमेटी की जानिब से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो भी निकाह 3 जोड़े का हुआ है और इसमें सबसे बड़ी मुबारकबाद के हमारे सैलानी भाई हैं जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम को इंतजाम करते हैं और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में से बढ़ चढ़ कर शादियों का इंतजाम करें। मुहर्रम कमेटी भिलाई हर साल इस तरह का सामूहिक निकाह करता ही है। इस बार 3 जोड़ों का निकाह हुआ जो निर्धन थे, कमज़ोर वर्ग के थे, इन लोगों से संपर्क किया गया, उन लोग सब तैयार हुए तो इनका यहाँ पर आज सामूहिक निकाह हुआ। एक बहुत बड़ा संदेश है न केवल मुस्लिम जमात के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, इस तरह सब आपस में जुड़ें, एक दूसरे का मदद करें और जो कमज़ोर है, जो इतने धूमधाम से शादी नहीं करा सकता, उसी मदद करें, तो एक बहुत बड़ा नेक काम है। ये एक बहुत बड़ा ये हमारे ये सीख है। ये इसमें करबला समिति द्वारा एक सामूहिक विवाह का एक आयोजन किया गया था। इसमें जो भी गरीब परिवार होता है, जो शादी कई बार होता है कि शादी करने के खर्चे में कई परिवार पर कर्जा आ जाता है या शादी नहीं कर पाते इतनी बड़े स्तर पर और बहुत पैसा भी लगता है, तो एक अच्छा एक इन्होंने मूवमेंट शुरू किया है कि करबला समिति हर साल जो भी गरीब ऐसे जोड़े होते, जो परिवार जो गरीब होते हैं, जो शादी सामूहिक तरीके से शादी कराया जाता है, पूरा समाज इकट्ठा होता है और उसी स्तर पर होता है, जो अगर व्यक्तिगत आदमी अपने से करना चाहे तो बहुत पैसा लग जाता है, लेकिन यहाँ पूरा समाज साथ में आके सब लोग कुछ कुछ पैसे अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और सब साथ में बैठ के यहाँ पे फिर शादी जो गरीब जोड़े उनका शादी करवाया जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ पे हमको बुलाया गया तो उसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सारे नवीन जोड़ों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सारी परेशानी जो है वो कमेटी वाले इंतज़ाम किए हैं, हम लोगों को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है, बहुत सारा काम आसानी से हो गया है और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसी तमाम जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं अल्लाह पाक उनका ऐसे ही काम आसान कर दे, माँ बाप का उनका, जी जी, समाज जो भी अपने हैं मतलब इनके उसमें सारे मतलब उनका काम आसान, हमारा काम आसान हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए, बेशक हर समाज में होना चाहिए। सही है,
गरीब लोग के लिए खुला है, गरीब लोग के लिए अल्लाह का करना चाहिए कि समिति में गरीब के गरीबों की लड़की लोग की शादी हो रही है, उसमें खुशी की बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ कि मेरी लड़की का निकाह कर्बला में हुआ, इससे बढ़कर मेरे को खुशी बहुत है। बहुत अच्छा लगा सर, गरीब लड़की है, क्या करेंगे, बहुत कर्बला में शादी की, बहुत बहुत अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया अदा करें, बहुत अच्छा लगा। गौरतलब है कि मुहर्रम कर्बला कमेटी सिर्फ इस्लामिक लोगों के जोड़े ही नहीं बनाती, यह कमेटी अन्य धर्म जाति के लोगों के लिए भी सामूहिक विवाह जैसे आयोजन किया करती है। इसके पूर्व भी सैकड़ों निर्धन परिवार की बेटियों के घर मुहर्रम कर्बला कमेटी ने बसाए हैं, जिसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों को ढेरों दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।